प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजीएल। ओके, मिशन सीजीएल आप सभी का स्वागत करता है। अच्छा, अभी तक जितना वीडियो आपने देखा होगा OBS के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो सभी जगह पे ये कहा जा रहा है कि वन नोट यूज़ करना है या PPT यूज़ करना है या तो आपको ओपन बोर्ड यूज़ करना है वगैरह वगैरह। तो मैंने ख़रीदने के बाद मैंने जब शुरू किया था ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आप काम कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको जैसे हर किसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले काम करना है, फिर उसको PPT में करना है या तो वन नोट में पेस्ट करना है या कॉपी करना है वगैरह वगैरह, ये एक्स्ट्रा काम हो गया। ओके, तो अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो उसी को अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा इजी तरीका कैसा होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाऊँगा। ओके, तो आपको ये रहा कि सपोज़ मान लीजिए यही चीज़ हमको इसमें दिखाना है, किसमें OBS में रिकॉर्ड करना है। तो ये तो स्क्रीन में जैसे दिखा रहा है ये तो ऐसे दिखेगा, तो इसको दिखा के मैंने आपको कोशिश किया है समझाने के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए इसको मैंने बंद कर दिया है। ओके, इसको बंद कर दिया है और इसको मैंने फिर से ओपन किया। ये है मेरा आइकन, इसको मैंने ओपन किया है। तो ओपन करने के बाद आपको ऐसे खुलेगा। ओके, खुलने के बाद आपको क्या करना है। अच्छा, उसके बीच में और एक बात बता दूँ, ये है हमारा पेन टैब, जो पेन टैब का इस एंड में एक कनेक्शन होता है, इसको ऐसे जोड़ा जाता है। इसको ऐसे जोड़ा गया, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप इस तरफ से, मतलब इस तरफ ये जो केबल है ये केबल इस तरफ लगा के भी जोड़ सकते हैं दोनों तरफ से। ये सिंगल एंड नहीं है, बोथ एंड है, मतलब वो बोथ वेज है कि बोथ वेज हो गया। और दूसरा एंड कहाँ कनेक्ट करता है, जैसे कि पता है आपको लैपटॉप का दिख रहा है चेहरा, लैपटॉप के इस एंड में कनेक्ट होता है दूसरा लैपटॉप का दूसरा एंड इधर कनेक्ट होता है, ये जो दिख रहा है आपको। ओके, ये तो आपको पता ही है कनेक्शन कैसे जोड़ना है। जैसे उसका माउस का लगाते हैं आप, ऐसे ही माउस का जैसे आप प्रेस करेंगे बैठा के तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो ये है आपका पेन टैब बैठाने का तरीका, ये है आपका पेन टैब का पेन। ओके, ये ऐसे ही आते तो यहाँ पर एक बैटरी लगता है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले आपको ये समझाता हूँ कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कैसे काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों लगा दिया हमने, ये हमने काम किया, अब इसी को हमने रिकॉर्ड करना है किसमें, OBS में। ओके, इसी को हमको रिकॉर्ड करना है OBS में। अच्छा, तो इसको पहले शॉर्टकट कर देता हूँ मैं। ओके, उसके बाद OBS को खोलता हूँ। OBS को खोलता हूँ, ये है हमारा OBS का, दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा OBS, इसको खोलूँगा। ओके, और इसको ओपन कर लूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है, ऑटोमेटिक ये OBS के स्क्रीन में आ गया जो मैंने आपको पहले दिखाया, एकदम एकदम स्क्रीन टू स्क्रीन छट गया है। ओके, अभी देखिए OBS चल रहा है, ऐसे ऑडियो चल रहा है, जैसे आपको ये दिख रहा है ऑडियो का जो ये अप एंड डाउन का जो कीज़ है वो दिख रहा है आपको, आपको पूरा डेल का कम ये लैपटॉप भी दिख रहा है आपको। तो मैंने इसको स्क्रीन में लेके आया हूँ। ओके, अब क्या करना है आपको, ये रिकॉर्डिंग तो आपको पता ही है, यहाँ पर आके रिकॉर्डिंग होगा, ये जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला बटन है जो दिख रहा है आपको, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जहाँ पर मैं कर्सर पकड़ा। ओके, अब इससे पहले आपको फिर से एक बार वर्ड डॉक्यूमेंट में जाना है। वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके ये जो दिख रहा है रिव्यू, ये जो दिख रहा है रिव्यू, इस रिव्यू में के ऊपर आपको पेन जो ये आपका जो पेन टैब का पेन है वो पकड़ना है। देखिए मेरा पेन टैब का पेन वहाँ पर चला गया है, और यहाँ पर पकड़ने के बाद राइट साइड में एक आइकन आएगा, वो है स्टार्ट इंकिंग। ओके, वो है स्टार्ट इंकिंग, देखिए इसके ऊपर पेन टैब का पेन अगर मैं पकड़ लिया तो ये ऐसा आएगा। ओके, आप देखिए यहाँ पर एक आइकन आता है पेन करके, एक आइकन आ गया पेन करके, पेंस करके एक आइकन आ गया। अभी पेंस के ऊपर आप अगर पकड़ेंगे, ये जो पेंस का आइकन आया है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको,
पेंस करके जो आइकन आए हैं उसके ऊपर अगर आप कर्सर लेंगे तो ये वाला विंडो खुलेगा। ओके ये देखिए सब आ गया आपका। ये आप कौन सा कलर चूज़ करना चाह रहे हैं उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लिखने के लिए आपको येलो चाहिए, रेड चाहिए, जो भी कलर चाहिए आपको। ये है पेन का, कितना मोटा आप पेन यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए कितना कितना मोटा पेन आप यूज़ करना चाहते हैं। ओके कितना मोटा पेन आप यूज़ करना चाहते हैं। ये है आपका इरेज़र, यह है आपका इरेज़र। अब फिर से चला गया है तो ये पेन का जो आइकन यहाँ पर टूल बार में आ गया, देखिए फिर से वही आ गया। ओके ये हाँ हाइलाइटर, यह हाइलाइटर अभी फिर से वो चला गया है, फिर से उसको लेके आते हैं। ओके मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ये पेन देखिए फिर से पेन चला गया है। ये अभी कौन सा साइज़ का हमें पेन यूज़ करना है वो देखिए, पेन यूज़ करना है कौन सा साइज़ का वो देखिए। ओके और इसके बाद आप लिखना चालू कर सकते हैं यहाँ पर। ओके आप यहाँ पर लिखना चालू कर सकते हैं। देखिए कलर लीजिए आप पहले। ओके एक रेड कलर ले लेता हूँ मैं, पेन में जाता हूँ, पेन में फिर से जाता हूँ। ओके पेन में जाके मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। ओके जो मेरा फेवरेट कलर है वह रेड कलर। आपका फेवरेट कलर दूसरा हो सकता है, कोई बात नहीं। आप ये जो बैकग्राउंड का जो कलर है जो लिखा है वो अगर रेड कलर के करेंगे तो लिखने के लिए आप ब्लैक कलर यूज़ कीजिए, इसको रेड कलर कर दीजिएगा। हाउ टू मेक ऑनलाइन टीचिंग वीडियोज़ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो भी आपको लिखना है टीचिंग का मटेरियल आप यहाँ पर टाइप करके, अगर आप इसको ब्लैक कलर करें तो रेड कलर लिखने के लिए रखें, अगर रेड कलर करके रखे तो ब्लैक कलर यूज़ करने के लिए रखें। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में अगर दोनों कलर एक हो गया तो मिक्स होने की ज़्यादातर संभावना रहता है। ओके तो आप क्या करें, एक कंट्रास्टिंग कलर ले लें, ऑपोजिट कलर ले लें, जिसे करके आप जब समझा है तो उस समझाने का वर्ड के साथ जो लिखे हुए वर्ड ऑलरेडी टाइप किए हुए वर्ड उसके साथ मिक्स ना हो जाए। ओके तो अभी आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लिखेगा तो वो चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है। ओके हाउ टू मेक ऑनलाइन टीचिंग वीडियोस। ओके तो ये लिखोगे तब ये आएगा। अभी क्या है, आपको ये जो OBS का जो ये है आइकन है यहाँ पर जाके आपको इसको चालू करना पड़ेगा, स्टार्ट इंकिंग। अभी देखिए मैंने कर्सर नहीं पकड़ा हुआ, मेरे पास पेन ही हाथ में रखा हुआ है, तो पेन से भी इसको कर्सर की तरह काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके पेन से भी आप कर्सर की तरह काम कर सकते हैं। ओके नाउ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके अब देखिए ये रेड जो बटन है वो जल चुका है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास। अभी मैं फिर से वर्ड में जाता हूँ। ओके अब यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, देखिए ओके नीचे लिखता हूँ, ये जो नीचे का पोर्शन है हिस्सा है यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। ओके डॉक्यूमेंट विथ OBS स्टूडियो। ओके स्टूडियो अब नीचे जाता हूँ मैं। ओके इसी पेन से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर पकड़ेंगे, ये देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इसको पकड़ लिया। ओके इसको पकड़ लिया मैंने और देखिए नीचे ड्रैग करेंगे तो वो नीचे चला जाता है। ओके अब हमारे जो टैगलाइन मैं यूज़ करता हूँ वो है आई कैन डू इट आई विल डू इट। अभी देखिए ये है रेड कलर में, तो मैं क्या करूँगा एक फिर से पेन में जाऊँगा, जैसे कि मैंने बताया जैसे कलर चेंज हो तो पेन में जाऊंगा। ओके पेन में जाके अब क्या करूंगा, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करूंगा लिखने के लिए। अब देखिए कंट्रास्टिंग कलर होने से फूटता है वो क्लियर दिखता है। ओके कंट्रास्टिंग कलर होने से वो क्लियर दिखता है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई कैन डू इट और बीच में लिखता हूँ आई विल डू इट। ओके तो फिर से मैं लिखता हूँ और एक बार कलर चेंज करता हूँ आपका, ये जो पेन में जाता हूँ। ओके पेन में जाता हूँ और इसका एक और दूसरा कलर ले लेता हूँ। ओके दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पर से। ओके दूसरा कलर ले लिया मैंने, दूसरा कलर ले लिया।
अब कलर सेलेक्ट हो गया, देन फिर से लिखता हूँ आई कैन डू इट, आई विल डू इट। माफ़ कीजिएगा मेरे हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ओके हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दिस। अब देखिए, अब फिर से उसको ड्रैग करके नीचे ले सकते हैं, आपको कर्सर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर्सर यूज़ करेंगे, मान लीजिए गलती से आपने कर्सर पे हाथ दे दिया, फिर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे समस्या होता है, ओके कैसे समस्या आता है। मैं इसको पहले कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ, ओके ये देखिए पकड़ लिया वो, अब नीचे जा रहे हैं हम, नीचे की ओर जा रहे हैं, देखिए पेज ऊपर खींच रहे हैं। अब यहाँ पर लिखता हूँ, अब फिर से कलर सेलेक्ट करता हूँ, मैं पेन में जाता हूँ, कलर सेलेक्ट करता हूँ रेड, ओके कलर सेलेक्ट करता हूँ रेड, ओके कलर सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ओके अभी लिखता हूँ मैं हाउ टू मेक, सॉरी मेक वीडियो, ओके वीडियो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके डॉक्यूमेंट। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर राइट साइड में तो काफ़ी जगह, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एरो, दो एरो, तीन एरो, चार एरो, यहाँ पर मैंने पांच एरो दे दिया, एक दो तीन चार पाँच। देखिए रिकॉर्ड कहाँ तक होता है वो हम दिखाएंगे, इसीलिए मैंने ये इस तरफ नहीं दिख रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है ये जो बार कहाँ, ये जो बार यहाँ तक वो कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है, ये जो बार है यहाँ तक वो रिकॉर्ड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीन तक, ये मैक्सिमम तीन तक ही वो रिकॉर्ड कर पाएगा, ओके तो इसीलिए मैं इसके बाहर नहीं जा रहा हूँ। इधर भी वही है, जहाँ पर ये जो ये हिस्सा है यहाँ तक वो रिकॉर्ड करता है, यहाँ तक वो रिकॉर्ड करता है, ओके इतना वो रिकॉर्ड करता है। तो आप इसके बाहर नहीं जाना है, आपको इसके बाहर नहीं जाना है। अभी मान लीजिए ये ख़त्म हो चुका है, हमारा वीडियो ख़त्म हो गया, हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी मैंने टीचिंग करवाए वो मैंने ख़त्म कर लिया, ओके तो एंड दी एंड में मैं वही बोलता हूँ, फिर से लिखता हूँ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ओके ये आप अपना ज़िंदगी में हिस्सा बनाइए। ये मान लीजिए ये वीडियो ख़त्म हो लिया, ठीक है मैंने जो लिखना था लिख दिया, ओके यहाँ पर लिखता हूँ अभी का टाइम 10:07, 10:07 हो गया, ओके 10:07 हो गया। अभी मान लीजिए ये ख़त्म हो गया तो हम क्या करते हैं, स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में जाके क्या करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब जाएंगे इसमें जहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग सेव हुआ है, ओके जहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग सेव हुआ है, नॉर्मली यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेव होता है आप सबको पता है, ओके यहाँ पर सेव होता है। इसको खोल लिया, अब इसको खोलने के बाद ये देखिए ये हमारा आज का वीडियो है, ओके अब देखिए ये रेड जो बटन है वो जल चुका है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ओके मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास। अभी मैं फिर से वर्ड में जाता हूँ, ओके अब यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, देखिए नीचे लिखता हूँ, ये जो नीचे का पोर्शन है हिस्सा है यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ओके डॉक्यूमेंट विद OBS स्टूडियो, ओके स्टूडियो। अब नीचे जाता हूँ, ओके ECPM से आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर पकड़ेंगे, ये देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इसको पकड़ लिया, ओके इसको पकड़ लिया मैंने, और देखिए नीचे ड्रैग करेंगे तो वो नीचे चला जाता है, ओके अब हमारे जो टैगलाइन मैं यूज़ करता हूँ वो है आई कैन डू इट, आई डू इट। अभी देखिए ये है रेड कलर, तो मैं क्या करूँगा, एक फिर से पेन में जाऊँगा, जैसे कि मैंने बताया
जैसे कलर चेंज हो तो पेन में जाऊंगा, मैं पेन में जाऊंगा। ओके, पेन में जाके अब क्या करूंगा, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करूंगा लिखने के लिए। अब देखिए कंट्रास्टिंग कलर होने से फूटता है वो, क्लियर दिखता है। ओके, कंट्रास्टिंग कलर होने से वो क्लियर दिखता है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई कैन डू इट, और बीच में लिखता हूँ आई विल डू इट। ओके, तो फिर से मैं लिखता हूँ और एक बार कलर चेंज करता हूँ आपका, ये जो पेन पेन में जाता हूँ। ओके, पेन में जाता हूँ, पेन में जाता हूँ और इसका एक और दूसरा कलर ले लेता हूँ। ओके, दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पर से। ओके, दूसरा कलर ले लिया मैंने, दूसरा कलर ले लिया, अब कलर सेलेक्ट हो गया। देन अब फिर से लिखता हूँ आई कैन डू इट, आई विल डू। माफ कीजिएगा मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। ओके, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दिस। अब देखिए अब फिर से उसको ड्रैग करके नीचे ले सकते हैं, आपको कर्सर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर्सर यूज़ करेंगे, मान लीजिए गलती से आपने कर्सर पे हाथ दे दिया, फिर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे समस्या होता है। ओके, कैसे समस्या होता है, मैं इसको पहले कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए पकड़ लिया हो, अब नीचे जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, तेज ऊपर खींच रहे हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ और फिर से कलर सेलेक्ट करता हूँ, मैं पेन में जाता हूँ, कलर सेलेक्ट करता हूँ रेड। कलर सेलेक्ट करता हूँ रेड, कलर सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ओके, अभी लिखता हूँ मैं हाउ टू मेन, सॉरी मेक वीडियो। ओके, वीडियो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, ये हो रहा होगा कि सर राइट साइड में तो काफी जगह आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, लेकिन काफी जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एरो, दो एरो, तीन एरो, चार एरो, यहाँ पर मैंने पांच एरो दे दिया, एक दो तीन चार पांच। देखिए रिकॉर्ड कहाँ तक होता है वो हम दिखाएंगे, इसीलिए मैंने ये इस तरफ नहीं लिख रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये जो बार कहाँ, ये जो बार यहाँ तक वो कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है, ये जो बार है यहाँ तक वो रिकॉर्ड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीन तक, ये मैक्सिमम तीन तक ही वो रिकॉर्ड कर पाएगा। ओके, तो इसलिए मैं इसके बाहर नहीं जा रहा हूँ। इधर भी वही है, जहाँ पर ये जो ये हिस्सा है यहाँ तक वो रिकॉर्ड करता है, यहाँ तक वो रिकॉर्ड करता है। ओके, इतना वो रिकॉर्ड करता है, तो आप इसके बाहर नहीं जा, आपको इसके बाहर नहीं जाना। अभी मान लीजिए ये खत्म हो चुका है, हमारा वीडियो खत्म हो गया, हमारे 8-15 मिनट 20 मिनट जो भी मैंने टीचिंग करवाए वो मैंने खत्म कर लिया। ओके, तो एट दी एंड में मैं वही बोलता हूँ, फिर से लिखता हूँ आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, ये आप अपने जिंदगी में हिस्सा बनाइए। ये मान लीजिए ये वीडियो खत्म हो गया, ठीक है, मैंने जो लिखना था लिख दिया। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ अभी का टाइम 10:07, 10:07 हो गया। ओके, 10:07 हो गया। अभी मान लीजिए खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में जाके क्या करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं।